नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत करने वाले हैं हरियाणा की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि ईडी ने हुड्डा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मानस लांच मामले में पीएमएल एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि सीबीआई की तरफ से सीज किए गए दस्तावेजों के आधार पर ईडी ने यह मामला दर्ज किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी ने कार्रवाई की है और पीएमएल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। और आपको बता दें कि पिछले दिनों सीबीआई की तरफ से 20 ठिकानों पर जो छापेमारी की गई थी, उस दौरान जो दस्तावेज मिले हैं उसी को आधार बनाकर ईडी ने मामला दर्ज किया है। और इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज कुपाही मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, पहले तो ये बताइए कि पीएमएल एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है, पीएमएल एक्ट क्या होता है और किस किस आधार पर ये मामला दर्ज किया गया है? बिल्कुल मोनिका, आज ईडी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए जो है भूपिंदर सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन पर पीएमएल के तहत मुकदमा दर्ज किया है। गुरुग्राम में हरियाणा में जब भूपिंदर सिंह हुड्डा की सरकार थी उस समय जो बिल्डरों को जो फायदा पहुंचाया गया था, गुरुग्राम के 3 गांव थे जिसमें 400 एकड़ के करीब जो जगह थी उसमें बिल्डरों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाया गया था। इसकी जाँच जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। ढिंगरा आयोग ने भी अपनी पूरी रिपोर्ट जो है वो जो हरियाणा सरकार को दे दी है। इसके तहत पिछले हफ्ते जिस तरह से जो सीबीआई ने जांच को आगे बढ़ाते हुए 20 जगहों पर छापेमारी की थी जिसमें गुरुग्राम, रोहतक और इसके अलावा दिल्ली और चंडीगढ़ में छापेमारी की थी। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके जो करीबी थे उनके यहां भी छापेमारी की थी। तो उस समय पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर जो है करीब 1.5 करोड़ की जो है ट्रांजेक्शन वो मिली थी। इसके साथ साथ तमाम दस्तावेज मिले थे। उसके मद्देनजर सीबीआई ने जो है वो ईडी को कहा था कि इस जांच को आगे बढ़ाया जाए। इसी के मद्देनजर जो है पीएमएल के तहत जो है आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। जी पंकज, क्या कोई रिएक्शन फिलहाल कांग्रेस की तरफ से या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से? देखिए, मुकदमा दर्ज होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता की थी। उनके साथ साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला जो हरियाणा से भी हैं वो साथ थे और कुलदीप शर्मा थे। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जिस तरह से सीबीआई कार्रवाई कर रही है, बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है, इस पूरे मामले में वो निर्दोष साबित होंगे। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जानबूझकर जो बीजेपी सरकार है इस पूरे मामले को उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। साफ तौर पर जो इल्जाम है वो बीजेपी पर लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर यही कहना है कि सीबीआई और ईडी जो है वो स्वतंत्र एजेंसियां हैं और वो अपने तरीके से काम कर रही हैं। अगर बदले की भावना से काम होता तो इतना समय नहीं लगता। पूरी जांच को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है और कई गड़बड़ियां सामने पाई गई हैं। जो बिल्डरों को जमीन जो दी गई थी उसी के तहत जो है सीबीआई ने 20 जगह पर छापेमारी की थी और उसके बाद जो है कुछ तमाम दस्तावेज भी मिले थे और इसके साथ जो ट्रांजिशन 1.5 करोड़ की हुई थी उसके बिहार पर ही जो है ईडी ने आज मुकदमा दर्ज किया है। बिल्कुल, जिस तरह से सीबीआई की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई थी, 20 ठिकानों पर जो है वहां पर छापेमारी की गई थी और कुछ करीबी भी माने जा रहे हैं जिनके ठिकानों पर जो है सीबीआई ने छापेमारी की थी, तो ये माना जाए कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं मुश्किलें उनकी भी बढ़ सकती है? बिल्कुल, जो उनके करीबी हैं उस समय हरियाणा सरकार में जो सेक्रेटरी भी थे उनके यहाँ पर भी छापेमारी की गई थी और उनके वहां से भी कई तमाम दस्तावेज मिले हैं। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ साथ जो उनके करीबी हैं और जो उस समय सेक्रेटरी थे उनकी मुश्किलें भी आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि आज चंडीगढ़ में पहले ही प्रेस वार्ता जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा की तरफ से की गई और साफ तौर पर यही कहा गया कि जो बदले की भावना के तहत काम किया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर जो ईडी के जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति या बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सरकार का साफ तौर पर यही कहना है कि इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं वो अपने तौर पर जांच कर रहे हैं। पंकज, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।